An idea can change your life. Nazariya, idea, soch, dar hakikat, insani zindagi ke safar ki ek aisi mushkil tareen ghati hai, jisko abool kiye bagair kamyabi ki choti par pahunchna kisi taur mumkin nahi. Kitne hi log hain jo apne nazariyat ki buniyad par tamam duniya ki tawajjuh ka markaz thehre. Aur dusri janib ek taweel farist un afraad ki bhi maujood hai ki jinke nazariyat ne unka shumar duniya ke nakam tareen afraad mein karwaya. Nazariya dar hakikat zindagi mein har pesh aamda masle ka hal faraham karta hai. Aap apni zindagi mein jo kuch sochte samajhte aur dekhte hain unki madad se apne dimag mein takhayulat ki ek duniya bunte hain aur aap kis takhayulati duniya mein achanak ek nazariya janam deta hai jo sari insaniyat ko yaksar tabdil karke rakh deta hai. Insaan aur janwar mein bunyadi farak yahi hai ki wo jo kuch sochte aur samajhte hain uski buniyad par कोई नया नजरिया तख्लीक नहीं कर सकते लेकिन इंसान जो कुछ सोचता और समझता है उसकी बुनियाद पर एक ऐसा नजरिया मारे वजूद में लाता है जो सारी इंसानियत को वर्ताए हैरत में डाल देता है. यह आसमानों से बातें करती इमारतें, बिजली की रफ्तार से सफर करने वाली सवारियां, इंसानों की तरह काम करने वाली मशीनें, हवा की दोष पे तैरते हुए जहाज, समुंदर की गहराइयों में नए से नए रास्ते तलाश करने वाले इंसान, ये ग्लोबल वर्ल्ड, ये इंटरनेट का जाल, ये दुनिया को रोशन करती बरकी कुमकुमें, कभी ये तमाम अशिया भी हकीकत की दुनिया से कोसों दूर किसी इंसान की तखय्युलाती दुनिया में ही मौजूद थी. गोया नजरिए की मिसाल उस कोंपल की है, अगर उसकी अच्छे से आबियारी की जाए तो यही नाजुक कोंपल इर्तका के अमल के बाद एक तनावर और समर आवर दरख्त के अंदर तब्दील हो सकती. लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, आम की कोंपल हासिल करने के लिए आम का बीज ही बोया जाता है, कभी थोड़ के बीज से आम की कोंपल हासिल नहीं की जा सकती. सो कामयाब नजरियात की पैदावार के लिए आपको अच्छे और कामयाब लोगों की सोहबत को इख्तियार करना होगा, बुरी और गलत सोचों से अपने आप को पाक रखना होगा. सोच दिल और दिमाग के महासिल से मारज वजूद में आती है. आज के इस डिजिटल दौर में जब हमारी सोच का माखज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे मीडिया मालकान के कंधों पर आयद होती है कि मुआशरे में क्रिएटिव मस्बत सोच पैदा करने वाला और नेशन मेकिंग कंटेंट प्रमोट करें, क्योंकि इस पर हमारा और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का इंतजार है. यही अनासर तय करेंगे कि दुनिया में हमारी पहचान एक कामयाब इंसान के रूप में होगी या एक नाकाम इंसान के रूप में. नजरियात के बगैर इंसान की मिसाल तो जिंदा लाश सी है. नजरिया क्या होता है? नजरिया नजरिया होता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. अच्छा नजरिया हमेशा वही होता है जो आपकी मुआशरती और दीनी इकदार से मुतसादिम ना हो. जी हाँ, नजरियात ही जिंदगी बनाते हैं, नजरियात ही जिंदगी बिगाड़ते हैं. फैसला आपके हाथ में.